आपका न्यूज आपके लिए। मेरा नाम विनय पंड्या है, मैं ये अहमदाबाद की गुफा केएल कैंपस संभालता हूँ और मैं आर्टिस्ट भी हूँ, फोटोग्राफर भी हूँ। ये जो ग्रुप शो है ये हमने मुखोटे टाइटल के साथ किया हुआ है और ये पहला ग्रुप शो हमने स्टार्ट किया। तो इसमें हमने 21 आर्टिस्ट विविध कला के साथ हमने शामिल किए हैं। इसमें शिल्पकार है वुड में, फिर वो वुड कार्विंग पे जो काम करती है एक लड़की, जो ड्राइंग बनाते हैं इस तरह से वुड कार्विंग में ड्राइंग तैयार करके उसकी कलर में प्रिंट लेना, और फिर दूसरा है जो नीलू पटेल करके है, तो पेपर न्यूज़पेपर को लेके बहुत बढ़िया मैसेज के साथ काम करती है। उन्होंने लंदन में उनका पेंटिंग सिलेक्ट हुआ था और वहाँ से उनको एग्जीबिशन की ऑफर आई थी। अभी उन्होंने लंदन में भी शो किया। उसके बाद वाटर कलर एक्रेलिक कलर में पोर्ट्रेट करते हैं एक आर्टिस्ट, दूसरे ड्राइंग्स करते हैं, फिर एक आर्टिस्ट है नरेंद्र भाई चौहान करके, तो उन्होंने टपका पद्धति से, उसमें बहुत मेहनत लगती है। कोई भी ड्राइंग है तो उसको उठाने के लिए डार्क से लाइट तक टपका पद्धति से जाना पड़ता है, कहाँ पर डार्क लेना है, कहाँ ज़्यादा डॉट्स देने हैं, कहाँ कम देने हैं। वो अगर उसके उस पर कमांड नहीं है तो वो चित्र नहीं हो सकता। इस तरह से कई अलग अलग कला के साथ ये शो हुआ है और एक साथ इतनी कलाकृतियाँ अलग अलग विषय पे, अलग अलग आर्ट पे देखने मिले, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैंने भी इसमें भाग लिया हुआ है। मेरे पीछे जो है फोटोग्राफ्स, मैं हेरिटेज पे काम करता हूँ तो स्थापत्य कला पे मैंने ये फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं। अडालज की वाव है, रानी की वाव है, और उज्जैन में एक मंदिर में जैसे नंदी रखते हैं इस तरह से उंदर को वहाँ पूजा जाता है और उस पर मैंने काम किया हुआ है, तो मैं ये यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। अहमदाबाद में कला विषय को लेके आज बहुत जागृति आ गई है। यहाँ पर कई कई जगह से लोग कला को देखने, उनको एंजॉय करने आते हैं और ये जो गैलरी है अहमदाबाद की गुफा, द आर्ट गैलरी अहमदाबाद की, तो ठीक है ये गुजरात की फर्स्ट नंबर की गैलरी है और यहाँ आर्ट का प्रमोट बहुत अच्छी तरह से होता है। मैं हूँ नीलू पटेल, मैं मुखोटे क्रिएटिव आर्ट फाउंडेशन चला रही हूँ काफ़ी साल से। उसमें मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के काफ़ी एग्जिबिशन किए हैं। ये मेरा ग्रुप शो फर्स्ट है और 22 आर्टिस्ट को लेके ये ग्रुप शो हो रहा है और ये ग्रुप शो 19 से 24 फरवरी तक चलेगा और इसका ओपनिंग नटू भाई परिख और नटू भाई मिस्त्री ने किया था और काफ़ी सारे माननीय मेहमान आए थे उसमें, उनके हस्तक ये ओपनिंग हुआ था। और मेरा वर्क है रिसाइकल न्यूज़पेपर को लेके, तो मेरा मैं इसमें 25 साल से काम कर रही हूँ। रिसाइकल न्यूज़पेपर और एनवायरनमेंट को बचाने का मेरा कॉन्सेप्ट है, पर्यावरण बचाने का, तो मैं वेस्ट न्यूज़पेपर को लेके काम कर रही हूँ इसमें। तो इसमें मैंने आज तक बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ किए हैं, उसमें से थोड़ी यहाँ डिस्प्ले की है, बाकी सब आप मेरा नेट पे, फेसबुक पे आप देख सकते हैं। मैं 25 साल से इसमें काम कर रही हूँ और मेरा मोटिव मुखोटे क्रिएटिव आर्ट फाउंडेशन मेन है, तो इसमें सब आर्टिस्ट को एक प्रमोशन प्लेटफॉर्म देने का है। तो
इसके हिसाब से हम लोग ग्रुप शो कर रहे हैं, तो ग्रुप शो में काफ़ी सारी अलग अलग टेक्निक्स की डिज़ाइंस और पेंटिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले किया है, और न्यू भी आर्टिस्ट है और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट भी है, तो उनका वर्क भी आप देख सकते हैं, उसमें वुडन स्कल्पचर भी है। मेरा नाम राधा देसाई अय्यर, मैं बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए तो डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मुझे बचपन से ही आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे डांस है, पेंटिंग है, रंगोली है, मेहंदी है, या कुछ भी आर्ट से रिलेटेड हैं, उसमें पहले से ही बहुत इंटरेस्ट है, और मेरा काम पहले से ही मैं थोड़ा बहुत जितना आता था उतना करती थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखने के बाद अभी एक लेवल पे पहुंची हूँ कि मैं अभी अहमदाबाद में ब्राइडल मेहंदी प्रोफेशनल डिज़ाइनर हूँ, उसमें और पेंटिंग में दोनों में मैंने कलमकारी, जो बहुत पुराना हमारा आर्ट फॉर्म है, उसको रिवाइव करने की कोशिश की है। ये जो पेंटिंग्स हैं इसमें, और ये सारे जो पेंटिंग्स हैं इसमें भी कलमकारी जो वर्क है उसको रिवाइव करने की कोशिश की है। यहाँ पे मुखोटे क्रिएटिव आर्ट फाउंडेशन ने हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है जिसमें मैंने थीम रखा है राधा कृष्णा का लव। अगर हम देखें तो पुराने ज़माने से लेके मॉडर्न अभी के भी यंगस्टर्स भी राधा कृष्णा के लव को इतना पवित्र समझते हैं, वो वाला थीम लिया है। इसमें है कलमकारी जिसमें आप देख सकते हैं बहुत बारीक सा काम है, लेकिन एकदम सुंदर नाजुक है। और ये जो आर्ट फॉर्म है कैनवास बेस्ड है, मिक्स मीडिया है, लेकिन राधा कृष्णा का लव वो मेन थीम है। सो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि जो भी कलमकारी वर्क है उसको रिवाइव करूं। यही चीज़ मैंने पेंटिंग के अलावा मेहंदी का जो मेरा वर्क है उसमें भी की है। ये जो आर्ट फॉर्म है, वो वाले आर्ट फॉर्म मैं मेरे ब्राइडल मेहंदी में भी वो ही अप्लाई करने की कोशिश करती हूं, और ब्राइड्स मेरे बहुत हैप्पी रहते हैं, जैसे शिव गौरी है, ये राधा कृष्णा है, या गणेश जी हैं, उसको कलमकारी उसमें आर्ट फॉर्म में ही उभारने की मैं कोशिश करती हूँ। थैंक्स अगेन मुखोटे कि हमें ये अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला, इतने सारे आर्टिस्ट को मिलना, अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है हमको, जितने विजिटर्स आ रहे हैं, तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हसमुख रावल है, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, और मैं करीब बचपन से इस आर्ट फील्ड के अंदर रुचि रखता हूँ। मैं अपने गुरु के पास बहुत मेहनत करके ये आर्ट सीखी है। मेरा क्यूबिज्म शैली में सारे पेंटिंग है, और उसमें ब्राइट कलर से मैंने कलर की ऊर्जा देने का प्रयास किया है। मेरा तकरीबन 20 ग्रुप शो है और 5 सोलो शो है, और मैंने राधा कृष्ण की सीरीज पे तकरीबन 40 पेंटिंग बनाए हैं पूरी सीरीज में, क्योंकि मुझे कृष्ण पे बहुत वो विश्वास है कि उसने सारी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया है, और मेरे सभी पेंटिंग में ये पॉजिटिव ऊर्जा आपको देखेगी। और मैंने मुखोटे में यहाँ 4 पेंटिंग रजू किया है। मैंने ग्राम्य जीवन पर भी बहुत सारे पेंटिंग किए हुए हैं, और सब में ब्राइट कलर से कल ऊर्जा का मैंने वो प्रसार किया है। थैंक यू। मेरा नाम कलगी शाह है, मैंने ये 4 पेंटिंग्स बनाए हैं राउंड कैनवास में, और मेरा मेन पर्पस और इफ़ेक्ट इसमें सिर्फ ब्लू कलर है जो अट्रैक्ट करता है, और वो पीस का मतलब मीनिंग होता है ब्लू कलर का, तो वो मैंने वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसकी खासियत ये है कि ये सारे ब्लू कलर्स में है, और इफ़ेक्ट देखने से पता चलती है, और नेचर पे है सब कुछ, तो वो दिखता है। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र चौहान है, मैं बेसिकली एक वैज्ञानिक हूँ इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में, मैं वहाँ 17 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आर्ट मेरा पहले से पैशन रहा है, और मैंने एक ऐसी टेक्निक को डेवलप नहीं किया, लेकिन मैंने उसको अडॉप्ट करके उसको उसमें काम कर रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और अभी मेरे जो अभी आप पीछे देख रहे हैं वो
मैंने एक ही थीम पे एनाटॉमी पे काम किया है और अपनी टेक्निक पे और डिफरेंट पेपर्स और ग्रे कलर्स एंड ब्लैक एंड वाइट पेंट से ही काम किया है और एक ग्रुप का मैं ऑर्गेनाइजर भी हूँ, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। मैं बिजरा सिंह गोहिल भावनगर का वतनी हूँ और मैं ऑयल कलर, वाटर कलर और सभी में काम करता हूँ। ये मैंने ऑयल में बनाया, इसमें डिटेल्स दिखते हैं आप, वो वेस्टर्न टाइप का है पेंटिंग। ये जो बन रहा है वो मैंने वो मिक्स मीडिया में बनाया, लेकिन वो मैं सोचता हूँ प्रकृति इतनी डार्क है, इतनी गहन है, उसे कोई समझ नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। और ये मैं मेरी एज की जैसी बात है कि एज में जब लोग आते हैं तो क्या क्या होता है, शरीर काम नहीं करता, उसकी जो साइकिल है उसमें हवा निकल गई है और वो पति पत्नी दोनों अपना फीलिंग्स दिखा रहे हैं दोनों के साथ, तो ऐसे मैंने कुछ बनाया है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम डिंपल टेलर है और मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ। मैं बचपन से आर्ट की लाइन में हूँ। थोड़ा सा मेरी लाइफ में थोड़ा ब्रेक 15 साल का हो गया था, तो अब मैंने मेरा पूरा करियर स्टार्ट किया है फिर से आर्ट की लाइन में, और मुझे प्रिंट मेकिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं प्रिंट मेकिंग ज़्यादा, ये मेरा प्रिंट मेकिंग का है जो लिनो प्रिंट इसे बोलते हैं, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा काम करना और फोकस करना चाहती हूँ। तो मुखोटे आर्ट फाउंडेशन द्वारा ये एक मुझे चांस मिला मेरी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ नीलू मैम का, और ये जो ये एक मौका दिया हम लोगों को। और ये टेम्परा आर्ट है, ये बहुत पुरानी कला है, इसे मदर ऑफ आर्ट कहते हैं, तो ये वाटर कलर से होता है। ये भी एक लिनो प्रिंट का है जिसको मैंने मेरे तरीके से किया है, जिस तरह से मैं चाहती हूँ। तो इस पेपर पर जो मैंने किया है उस पर मैंने कलर किया है पहले पेपर को और फिर उसके ऊपर प्रिंट लिया है। और उसके बाद है एक स्टिल लाइफ जो मेरे हिसाब से एक मेरी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए मैंने किया है। ओके, थैंक यू। मेरा नाम भरत भाई चौकसी है, मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ और मैंने डिज़ाइन वर्क ज़्यादा किया है और कमर्शियल वर्क भी मार्केट में किया है। मैं अभी पेंटिंग बना रहा हूँ, मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी भाग लिया है और बम्बई की जहांगीर गैलरी में भी अभी गए, एक साल पहले गया था। मैंने अभी तक 6 ग्रुप शो किया है और मेरा सोलो शो भी किया है 7, और अभी जो यहाँ लगा है वो पेंटिंग अलग अलग है, चारों को थीम कुछ अलग है। इसमें पहला है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, दूसरा है वो मैंने फिंगर से बनाया है, ये ड्राइंग है ना वो फिंगर से बनाया है, वो वृक्ष है, और तीसरा है वो बर्ड है, और लास्ट में जो वो चंद्र का नाइट मून का है, और नाइट मून में जो प्रकाश आता है ना ऐसी शांति होनी चाहिए, और सेव द बर्ड, और यहाँ क्या वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग में शांति होनी चाहिए, ऐसा सब चारों का मीनिंग अलग है। नाम गोवर्धन प्रजापति है। मेरा स्केचिंग, मुझे बहुत इंटरेस्ट है स्केचिंग में, तो मेरा जो स्टाइल है वो ऑलमोस्ट स्केचिंग जैसा है, मतलब थोड़ा रफ भी लगता है। तो मुझे ये जो स्टाइल है मेरा, ये तीन जो पेंटिंग है मेरे वो कैनवास पे मैंने किए हैं, वो एक्रेलिक पेंट यूज़ किए हैं, उसमें वाटर कलर का इफेक्ट से मैंने वो लिया है, और ये जो लास्ट वाला मेरा जो पेंटिंग है उसमें मैंने वाटर कलर का यूज़ किया है। तो ऐसे ये मेरा थोड़ा स्टाइल भी बन गया है और इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा मज़ा भी आता है। थैंक यू। मैंने इसमें टेक्सचर और डेप्थ देने के लिए उसमें टेक्सचर डाला है, कोन वर्क वगैरह किया है और काफ़ी ब्राइट कलर्स यूज़ किए हैं, तो जिससे लाइट एंड डार्क इफेक्ट आता है और उससे डेप्थ मिलती है पेंटिंग्स को। अच्छा, इस गैलरी में बहुत से टाइम से ये चित्रकला का बहुत आगे बढ़ गए हैं लोग, और इस बार जो हुआ है उसमें देखने से लगता है कि अहमदाबाद की पब्लिक को अब इस पर बराबर इंटरेस्ट हुआ होता है, और जो आर्टिस्ट को जो मिल इससे जो आमदनी होती है और जो क्रेडिट मिलती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस जी नमस्कार, मेरा नाम हेतल है।
यहाँ पे मुखौटे में मैंने मेरा एक बहुत स्पेशल आर्ट है फिलाटेली आर्ट जिसको रिप्रेजेंट किया है, जिसमें तीन फ्रेम है, सीता, इंडिया और बर्ड्स। ये जो पेंटिंग है वो है फिलाटेली आर्ट। फिलाटेली का मतलब होता है उसके अंदर समावेश होता है पोस्ट की जो स्टैम्प्स आती हैं, वो हमारे पुराने सिक्के, इनलाइन लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स। मैंने इनको यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ इसको प्रेजेंट किया है, जैसे कि ये सीता का पेंटिंग है जिसमें पूरी रामायण मैंने दिखाने की कोशिश की है सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको एक अलग दृष्टिकोण से यहाँ पे दिखाया है जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 5 चॉइसेस की थी और उन्होंने बड़ी स्थिरता के साथ वो 5ों चॉइस को निभाया था। यहाँ पे इंडिया का फिलाटेली वर्क है जिसके अंदर मैंने तकरीबन 70 जितने स्टैम्प्स यूज़ किए हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने इश्यू किए थे और हमारे बहुत पुराने चलनी सिक्के हैं। उसके अलावा 1989 का एक इनलैंड लेटर है और 1992 का एक पोस्ट कार्ड है जिसको मैंने यहाँ पे डाल के जो भारत की संस्कृति है, इतिहास है, कला है, स्थापत्य है, जिसके बारे में बहुत कुछ इस पिक्चर में आप जान सकते हैं। एक एक स्टैम्प की बहुत सारी कहानियाँ हैं। और यहाँ पे बर्ड्स है, बर्ड्स मेरा सिग्नेचर है और यहाँ पे मैंने दुनिया भर के बर्ड्स जो मुझे खास पसंद है उनको लेके कॉफ़ी आर्ट के माध्यम से कैनवास पे पेंटिंग किया हुआ है। मैं हसमुख गोवानी अहमदाबाद से, यहाँ 19 तारीख से मुखोटे फाउंडेशन द्वारा चित्र के प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शन में 21 कलाकारों ने हिस्सा लिया है। 19 तारीख से 24 तारीख तक दोपहर को 4 से 8 बजे तक कोई भी कलाकार या सामान्य व्यक्ति इसकी मुलाकात ले सकता है। इस मुखोटे में नीलू पटेल, नरेंद्र भाई चौहान और राजेंद्र भाई बारैया तीनों ने एक अच्छा आयोजन किया है। जो अहमदाबाद में रहते हैं वो कलाकार भी यहाँ इस प्रदर्शन में आए हैं, हिस्सा लिया है। जो अहमदाबाद में नहीं है, बाहर है, और जो नवोदित है, जो नए कलाकार है, उनको भी इस मुखोटे में शामिल किया गया है। इससे आगे अगस्त में भी एक बड़े आयोजन का आयोजन किया जा रहा है। मैं 2 पंक्तियों से इस बात को संपन्न करूंगा कि मर्या तो सवा ने वड़या तो अढ़ी छे, मर्या तो सवा ने वड़या तो अढ़ी छे, अमे एज स्मृति मुखोटे मढ़ी छे, मुखोटे मढ़ी छे। थैंक यू, शुक्रिया।